कन्वर्सेशन मैं वही बैठ के रीजन ये है कि इन दोनों सेक्शंस को कंबाइन करके मैं जो आ रहा हूँ, क्योंकि ओवर टाइम कवर टाइम जो अपन डिस्कस कर लिए थे। नाउ कमिंग टू कि गवर्नमेंट क्या है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, सारा ओनरशिप ले लिया है कि वही देखेगा लोगों का हालचाल और उनका वेलबींग। ठीक है, इसलिए क्या है कि पब्लिक इज एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट, विच इज नेचुरल जस्टिस का कॉन्ट्ररी है। गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटिंग एजेंसी है, सर्टन एरियाज में उनको काम करना है। ठीक है, एंड दे आर बेसिकली सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसमें मैं जो बता रहा था कि जो आइडिया मेरे को आया था कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो डेवलप करना है, जैसे पुलिस स्टेशन है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, आर्मी है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, कलेक्ट्रेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इनमें कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, वी लैक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में देखिए कैसे बेस्ट पब्लिक कहां से बनेगा, ये दो सेक्शन से बनेगा। कि जो इमिनेंट डेंजर है सोसाइटी को, आपके स्टेट को, फ्रॉम हीनियस ऑफेंसेस। बाकी जो टाइम है कोर्ट कचहरी है, जाके वहां पे सॉल्व आप कर सकते हो। कोई मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, उसमें 39 में सेक्शन दिए हैं, तो क्लियर दिखाता है कि इमिनेंट डेंजर जो है और अर्जेंट जो नेचर का है। और उसमें एक चीज लिखा और भी है कि इन एंटीसिपेशन ऑफ इमिनेंट डेंजर ऑल्सो, इट नॉट नेसेसरी कि क्राइम हो जाए तब जगह आप करेंगे। आपको लगता है कि इस झगड़ा से मर्डर हो सकता है क्या, तब भी आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं तो बारीकी से पढ़ रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि और बाकी जितने भी अदर लिटिगेशन मैटर्स है, डिस्प्यूट मैटर्स है, वो सारा इंक्लूडिंग द 39 के जो आपने रिपोर्टिंग की है, द पब्लिक अथॉरिटीज आर अकाउंटेबल। और सेक्शन 80 जो है वो क्लियरली आपको एम्पावर करता है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो पब्लिक अथॉरिटी को। और दो महीने के अंदर वो पब्लिक अथॉरिटी को, इसलिए दो महीने का रीजनेबल टाइम है, इसलिए दो महीने के अंदर में ही शुड फाइनलाइज द मैटर। इफ ही डज नॉट फाइनलाइज द मैटर, देन यू कैन मूव टू एपेक्स कोर्ट्स और एनी कोर्ट फॉर दैट मैटर। ठीक है, देन द गवर्नमेंट बिकम्स ए पार्टी, ठीक है, एंड दे आर आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसलिए जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की आवश्यकता है और डायरेक्ट कॉग्निजेंस, हमें किसी को एडवाइस करना नहीं पुलिस स्टेशन में तुम जाओ या पुरानी जगह जाओ, आप आइए एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन डेवलप करें सर, कि आप आइए हमारे पास कंप्लेन लिखिए, वी विल टेक अप द मैटर। ठीक है, तो उस टाइप में इंस्टीट्यूशन जब तक पब्लिक फॉर्म नहीं करेगी, नहीं बनाएगी नहीं, तब तक क्या है कि ये दर दर भटकते रहेंगे। क्योंकि आप ठीक है, हम किसी को बोलेंगे कलेक्ट्रेट चले जाओ, किसी को बोलेंगे सप्लाई ऑफिसर चले जाओ, किसी को बोलेंगे थाने चले जाओ। इसमें मेरा एक सोच और भी है कि और भी ढेर सारे वॉलंटियर्स को जो है इन्वॉल्व किया जाए इन द वेरियस नेम्स, राइट? तो वो वेरियस नेम्स क्या हो सकते हैं, पहला हो सकता है लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, स्पेशली यदि सामने वाला कोई ऐसी डायलेक्ट बोल रहा है जो टेक्नोलॉजी ठीक ढंग से नहीं समझ पा रही है, ठीक है ना? एंड हम अकेला ये बात करना चाहें कि कोई इतना होशियार है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म या किसी प्लेटफॉर्म से अपनी बातें आप तक पहुंचा दे, राइट? यदि वो इतना होशियार है तो वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है और उस कैटेगरी के लोगों को सूनर और लेटर एक्सेस टू द और फैसिलिटेशन ऑफ द लॉ हो ही जाता है, राइट? लेकिन जो टोटली डिप्राइव क्लास है, जिसको अपन हैव नॉट्स कहते हैं, उनका तो कुछ भी जो है ना, कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम उन लोगों की भी सुनवाई कर सके, नंबर वन, एंड लेट इट बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन बट टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, राइट? तो जैसे अज्यूम करिए कि उसने बात कही और वो किसी भी तरीके से जो है ना, मतलब चाहे वो ऐप के थ्रू या अदरवाइज और किसी ऑडियो वीडियो के माध्यम से, तो दैट कुड बी कन्वर्टेड इनटू द टेक्स्ट, एंड यदि लैंग्वेज वैसी बोल रहा है कि जिसमें टेक्नोलॉजी को समझने में दिक्कत है, इन कन्वर्टिंग इनटू द टेक्स्ट दे कुड बी लैंग्वेज वॉलंटियर, राइट? अब अज्यूम करिए कि सेक्शन अप्लाई करने का है, तो इसका दो तरीके से सेक्शन अप्लाई हो सकता है, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन लुक इन टू द डायमेंशन के जो वेरियस एट्रीब्यूट ऑफ द लॉ है वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और देन जो है इफ इफ द रिपोर्ट कंटेंट इज नॉट रियली वेरी क्लियर अबाउट द ऑल एट्रीब्यूट्स द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड राइट। अब इसमें अपन यदि मान लो लॉयर को भी उसमें पार्ट बना देते हैं जो हु कैन लुक इन टू द कॉन्टेंट एंड से असेस की जबकि अपन टेक्नोलॉजी का रिफाइनमेंट बैकएंड पे कंटिन्यू करते रहे सो दैट द टेक्नोलॉजी की यदि प्रेजेंट कैपेसिटी इज नॉट फुल्ली सर्विंग अवर पर्पज तो देन इट कुड बी सब्सटेंशिएटेड और इट कुड बी फर्दर जो है ना कम्प्लीमेंटेड विद से लीगल वॉलंटियर्स राइट एंड दे विल बिकम एडिशनल witnesses in the process of reporting of FIR. तब they will lose and then जो volunteer जो ना जाके अपने मोबाइल अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो FIR को एक्सट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है he could become the witness to the victim physical position and even the scene of crime right and without disturbing he can help in protecting the scene of crime and he can help in capturing whatever is possible from a distance right so then he can play the part two also that is partly helping out in investigation also for example apne yahan pe cheeze itni manipulated hoti hain jaise maan lo incised wound hai aur lacerated wound right ab yadi maan lo 3D and other measurement के माध्यम से we can say differentiate between the two, right? Then जो आजकल डॉक्टर का भी manipulation होता है, डॉक्टर भी जो है ना पैसे लेके कई बार उल्टा सीधा दे देता है, तो this manipulation will also be could be neutralized to some extent, right? Because the backend technology will be taking the photograph, it will be measuring depth, also it will be differentiating and saying कि why it is a incised wound. राइट मतलब उस तरीके तक भी हम जो है ना हेल्प करने में मदद कर सकते हैं बेसिकली वी कैन हेल्प आउट बियॉन्ड द प्रेजेंट प्रेजम्पशन अभी अभी तक का जो सिस्टम है उसके बियॉन्ड जाके हम कैसे मदद करें सो दैट वी कैन से के जो है ना इन्फ्रेंस ड्रॉन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इफ इज नॉट ड्राइंग राइट काइंड ऑफ इन्फ्रेंस वी कैन स्टिल जो है ना पुश इट टू द कोर्ट दैट के द राइट काइंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट बीइंग डन क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अभी FIR दर्ज कराना ही अपने आप में मकसद बन गया है मकसद होना चाहिए कन्विक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ और फिर हम तो से आई विल से फर्दर के देन प्रिवेंशन विद द सर्टेनिटी इफ पॉसिबल एंड देन इफ द रिहैबिलिटेशन इफ पॉसिबल देन आई विल से ऑल फाइव स्टेजेस हैज टू बी कंसिडर्ड दैट फॉर्मेट राइट यदि हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मात्र रिपोर्टिंग के लिए दे दें तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव भी बहुत छोटा सेट किया है हमारा ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए और हमारा ऑब्जेक्टिव पहला होना चाहिए कि उसकी FIR हो जाए दूसरा होना चाहिए कि हाउ वी कैन फैसिलिटेट इन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग कैप्चरिंग ऑफ एविडेंस देन आई विल से हम सोच पा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर पुलिस वाला उसमें सोच पाए तो बैक एंड इंजन सोच के वाई शुड नॉट क्रिएट इन्वेस्टिगेशन लीड राइट एंड दोज इन्वेस्टिगेशन लीड कुड बी मेड अवेलेबल के साथ इसमें ये संभावनाएं हैं तो कल अपन उसमें अकाउंटेबिलिटी फेस कर सकते हैं कि भाई जब आपको इन्वेस्टिगेशन लीड दी गई तो आपने इस पे काम क्यों नहीं किया क्योंकि हाँ तो वो एंड इट इज डूएबल जैसे अज्यूम करिए कि क्या CDR चाहिए क्या PSTN डाटा चाहिए क्या VLR डाटा चाहिए क्या बैंक अकाउंट डाटा चाहिए क्या चाहिए राइट दैट कुड बी जो है द बैकएंड इंजन कैन हेल्प हिम राइट इंक्लूडिंग से जैसे CCTV से क्या चाहिए या IoT डिवाइसेस आगे बढ़ के और बढ़ जाएंगे तो IoT डिवाइसेस से क्या हम कैप्चर कर सकते हैं सो यदि बैकएंड इंजन सभी इन्वेस्टिगेशन लीड क्रिएट कर दे और जहां तक एंड देन इन फ्यूचर वो यदि उसको खुद को ये पावर मिल जाए कि ही कैन कैप्चर दोज थिंग्स राइट under this that he will be custodian and he will not breach privacy and other things right it will be limited to the only the investigation and helping to the police and any conduct beyond that would be it will be a kind of a
illegal action on the part of the person or institution which is trying to help out police, right? Because the जो उसके objections हैं उनके ऊपर हमें पहले सोचना पड़ेगा, right? जैसे मान लो हमने नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम को हमने 65C शेड्यूल बन के तहत खोजा, तो उसका एक बकायदा ड्राफ्ट बना के हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया है, राइट? अब तो मैं बताता हूँ, सुन के पूछ रहा हूँ, दीज आर ऑल वैलिड। मैं मेरा जो कहना है कि सरकार ने या स्टेट ने एक तंत्र बनाया है, मेरा जो अप्रोच है कि थाना इज सपोज टू इम्प्लीमेंट द लॉ, ठीक है, इन लेटर एंड स्पिरिट। नहीं, लेकिन एक चीज तो अपन को देखना पड़ेगा ना कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। पोस्टिंग इन थाना इज नॉट हैपनिंग ऑन द मेरी बात को सुनिए सर, देन लॉयल्टी इशू विल कम। तो वो जो है ना, ये प्रैक्टिकल रीजन थाने वाले को वो काम करने ही नहीं देंगे जो आप उससे थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो सर अभी जस्ट खाली स्टार्ट किया हूँ, अभी बात सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्टम बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, सिस्टम मैंने कंटेम्पलेट किया वो बता रहा हूँ सर, थोड़ा सा सुनिए उसको पहले। हाँ हाँ, क्या है कि डूइंग रॉन्ग थिंग इज एन एबरेशन, ठीक है, फ्रॉम द प्रोसीजर एस्टेब्लिश। आप अगर एसपी हैं तो ईमानदार रहना, कोई आप ऑब्लाइज नहीं कर रहे हैं सोसाइटी को, ईमानदार आपको रहना ही है, तो वो तो आपका ड्यूटी है ईमानदार रहना और ऑनेस्टली डिस्चार्ज करना अपने फंक्शन को। आप कोई मेहरबानी थोड़ी ना मेरे पे कर रहे हैं कि अगर बोल रहे ना वो अफसर बहुत ईमानदार है। नहीं, लेकिन आपका भी रेशियो ही बदल जाए तो फिर वो फिर मेहरबानी कर रहा है। मैं रेशियो की बात मैथमेटिक्स में, मैं रेशियो की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मतलब गवर्नेंस की जो है, जो आप कह रहे हैं उस तरीके के कितने ऑफिसर अवेलेबल हैं, उस तरीके के ऑफिसर ही अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या करेंगे? ये दिस कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू अरिथमेटिक। आप जो बता रहे हैं वो अरिथमेटिक है सर, मैं अरिथमेटिक की बात ही नहीं कर रहा हूँ स्टेज में, वो मैं दूसरे मैथमेटिक्स अप्लाई होगा सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है सर, जब आपका अरिथमेटिक काम नहीं करता तो आप एलजेआर अप्लाई करते हैं, एलजेआर अप्लाई नहीं करता ज्योमेट्री करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, लॉगरिथम्स करते हैं, बाइनरी करते हैं, कैलकुलस करते हैं। मैथमेटिक्स में 17-18 ब्रांचेस हैं, वो इसीलिए है कि सब प्रॉब्लम को अरिथमेटिक से सॉल्व नहीं की जा सकती है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स अप्लाई टू सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। लास्ट में कुछ भी होता है तो स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। तो इसलिए सर ये हम लोग क्या कि बाइनरी थिंकिंग करते हैं, इसलिए अरिथमेटिक को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अरिथमेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं जो बता रहा हूँ एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में करता हूँ, क्योंकि जिसको आपको टो डाउन करेगा कि आप जो ऑन ईमानदार रहे और आपको टो डाउन करेगा, अगर मान लो 60% 90% 99% मेहमान है तो हमारा सिस्टम वो 99% रिवर्स कर देगा, ठीक है, कि वो ईमानदार, उनके पास ईमानदारी से नौकरी ना करने का कोई चारा ही नहीं है, ठीक है, और वो सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। अभी देखिए सिस्टम तो लोग देखते नहीं है, इसलिए दे डोंट अंडरस्टैंड, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, इसलिए मैंने नौ डायमेंशन में इसको वर्कआउट किया हूँ। ओके ओके, आप उसको जो जो वर्कआउट किया उसको डिस्क्राइब करिए, आई थिंक दैट विल बी बेटर रादर देन आई मीन डिस्कसिंग अदर डायमेंशन। यू स्ट्रेट वे कम टू व्हाट यू आर रियली एडवोकेटिंग एंड सजेस्टिंग। मैं उसी में आ रहा हूँ सर, मैंने नौ डायमेंशन को इसको वर्कआउट किया है। ओके, वो नौ डायमेंशन जब अप्लाई करने आप लगेंगे, ठीक है, तो वो क्या रिवर्सल होना चालू हो जाएगा, फिर आपका अरिथमेटिक आपके फेवर में आने लगेगा। अभी अपन क्वालिफाइड को छोड़ दें एक मिनट के लिए, अपन हम मान रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है। नाउ फर्स्ट यू डिस्क्राइब दैट, देन वी विल डिस्कस इट इन थ्री केसेस लेटर ऑन। तो ये मतलब पहले वो समझने की कोशिश करते हैं ना कि व्हाट इज बीइंग एडवोकेटेड बाय यू। मैं बता रहा हूँ, मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, अभी टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका टेक्नोलॉजी जो आपने बताया सब वैलिड है, तो वो अच्छा भी हमें एनहांस भी करेगा, क्विक भी करेगा। तो मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या होता है, मैं अभी अभी सवेरे मैंने एक प्रॉब्लम को वर्कआउट करा, दो प्रॉब्लम वर्कआउट किया, मैं उसके भी शेयर करूंगा आपके साथ। क्या होता है कि सर कोई भी आदमी हमारे पास जब आता है सबसे पहले, तो क्या है कि उसके कुछ ना कुछ जो है नेचुरल लॉ का वायलेशन हुआ है, इसीलिए आता है हमको अपना ग्रीवेंस लेकर। तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है इसलिए वो आता है, सो कि जस्टिस कैन बी रिस्टोर्ड बैक, ठीक है, यही है ना सर बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो यही है, इसी से आप शुरू करते हैं, राइट? हमारी जो ओरिज है, हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने इसके एक मैपिंग बनाया है। ओके, हमें उस
उसकी जो प्रॉब्लम उस मैप में हमें फिट करना है, ये कौन सा स्टेज में है, ठीक है। ओके okay. और वो शुरुआत होता है डिस्प्यूट से, ठीक है, और शुरुआत होता है डिस्प्यूट से, डिस्प्यूट। ओके okay. तो कोई भी प्रॉब्लम एक डिस्प्यूट से शुरुआत होती है, सडनली right. एक मॉडल में जाता है सर, वो एक डिस्प्यूट right. से जाकर मॉडल में कन्वर्ट होता है, वो डिस्प्यूट आप अपने को इसी मैप को अंडरस्टैंड करना है राइट right. तो पहला स्टेप है, कोई भी प्रॉब्लम, ये प्रिज्यूम करिए, एक थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम इट्स टू बिगिन विद अ डिस्प्यूट, ठीक है राइट right. सो इसलिए आपके पास टूल्स है, वेज एंड मीन्स है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो क्या okay. हमें ठीक है, पुलिस का रोल यहाँ नहीं है, हर जगह जो पुलिस का रोल आता है, पुलिस का रोल नहीं है, क्योंकि पुलिस इज नॉट सपोज मेंट टू बी रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो जो कि हमें क्या है कि ऑल द पीरियड हम कम्युनिटी पुलिस नहीं है, क्योंकि वो वैक्यूम है, इसलिए पुलिस ने एडवांस। देखिए इसमें चूंकि लोबाग जो है बिना समझे कि किस लेवल पे है, उन्हें समझ में आता है कि पुलिस इज पेनेसिया फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पुलिस जो है ना, जो पुलिस कैन हेल्प आउट इन कैप्चरिंग कंटेंट एंड रेफरिंग इट टू द एजेंसीज विच आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रादर देन आस्किंग दिस पर्सन टू गो देयर। If the police can take extra pains and can tell कि आपका content हमारे पास आ गया है, this is at this stage, so I am referring it to the dispute resolution authority or mechanism or agency, whatever way we tell it. वहाँ पे आता है, वहाँ पे काम आता है society का, उस institution का काम आता है society में, जो legal framework से बाहर है, जो legal framework से बाहर है, society. सोसाइटी लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में नहीं है, ठीक है। आपके जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, कि दो दोस्तों में झगड़ा हो गया, आप तीसरा फ्रेंड है, ठीक है, मान लीजिए आपके दो बैचमेट में झगड़ा हो गया, आप बोले यार क्यों झगड़ रहे हो, ठीक है, बोले मैं बैठ के सॉल्व करता हूँ, तुम बता तेरी प्रॉब्लम, तू बता तेरी प्रॉब्लम, इसमें कोई लॉ तो है नहीं सर, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, आप उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देते हैं। हो सकता है मारपीट होकर मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वेरी ट्रू, जैसे पहले पंचायत में, गांव में जो है ना, पंचायत इकट्ठी होती थी और दोनों को बात सुनकर जो भी उचित लगता था उसका वो फैसला दे देती थी। अंडर में आता है, मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर, वो फिर भी लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में आता है, जो पंचायत को उसको सुप्रीम कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है वहाँ डिसीजन को, ठीक है। मैं उसके अभी तो उससे उसका प्री लीगल फ्रेमवर्क से पहले बात कर रहा हूँ, जो लीगल फ्रेमवर्क के बाहर है। हम जो सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में हर चीज लीगल फ्रेमवर्क में नहीं आती है, इसलिए बोलते हैं जैसे किसी के साथ इलिसिट रिलेशन आपका है, ठीक है, लीगली अप्रूव कर देंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो सोसाइटी में आपके वाइफ, आपके बच्चे आपको एक्सेप्ट करेंगे क्या, ठीक है। तो इसलिए क्या कि सर वो लीगल फ्रेमवर्क से बाहर है, इसलिए आप अपना बच जाएंगे लॉ के हिसाब से, झूठा सजा लगाकर बच जाएंगे। ये जरूरी है सर, एलैबोरेशन थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि फिर क्या है कि रियाराल जो है ना, हैड बीन इट एंड हम लोगों ने, इशारा करोगे तो वो एक वर्ड यूज कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला ना सर, मैं अपने पंचायत भी है, इसलिए मैंने बोला, ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि तो डिस्टिंक्शन करना जरूरी है। एनीवे सर, तो प्रिज्यूमिंग दैट की और अंडरस्टैंडिंग दैट की यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्प्यूट एंड हाउ डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व। तो अगर डिस्प्यूट लेवल पर आप रिजॉल्व नहीं कर पाते, फिर क्या करेंगे आप, फिर एक मेडिएशन चाहिए आपको, कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसको क्रेडिबिलिटी हो। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के डिफरेंट लेवल्स हैं, इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन, सो लेट्स से दैट के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के वेरियस टेक्निक्स आर अंडरस्टूड बाय अस एंड दे विल बी अप्रोप्रिएटली यूज्ड। तो उसमें जो है, उसमें जो फैसिलिटेशन से लेके लास्ट अप टू द आर्बिट्रेशन वेयर समबडी इज प्रोनाउंसिंग ए जजमेंट काइंड ऑफ द थिंग्स एंड व्हिच इज बाइंडिंग आल्सो, द लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दैट, सो लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन इज ऑलरेडी इन एक्जिस्टेंस। सर, ऑल डिस्प्यूट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड थ्रू, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का एक पैकेज है, लेट्स प्रिज्यूम इट विल बी हैंडेड ओवर टू हिम, एंड वी कैन, इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, देन वी कैन हैव अ डिफरेंट डायलॉग फोकसिंग ऑन दैट पार्ट डायमेंशन ओनली। अभी पूरा करें, मेरे को सुनिए सर, मेरे को सुनिए सर, आप अगर ऐसे जंप करेंगे तो सर फिर क्या क्या नहीं, जो बात हमने कह लिया ना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की एज ए मैकेनिज्म वी विल हैंडल, नेक्स्ट पे जाओ ना।
नहीं मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ सर, मैं आप थर्ड स्टेप में चलेगा ना, मैं मेडिएशन की बात आया इसलिए सेकंड में। नहीं वो ये देखो मेडिएशन आर्बिट्रेशन ये सब जो है ना फैसिलिटेशन दे विल बी पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो अभी उसको आप जो है ना एक छोटा सा अम्ब्रेला एक ब्लैक बॉक्स बना के यू कैन टू कीप इट शॉर्ट वी कैन से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड देन इफ यू वांट टू टॉक लिटिल डिटेल इन द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन देन वी कैन हैव ए डिफरेंट कम्युनिकेशन व्हेन वी विल बी टॉकिंग ओनली अलग 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 बात करें। डिस्प्यूट एक सिविल लिटिगेशन भी एक डिस्प्यूट है, अदरवाइज बात नॉन वेरिएबल आएगी ना। हमें चाह रहे थे कि कंसाइज फॉर्म में आ जाए। नहीं बात लंबी की बात नहीं है सर, जो क्लास लंबी में है मैपिंग क्या है, मतलब बेसिकली आपको अपना ज्ञान जो है ना सामने वाले की सुनने की समय सीमा में बांधना पड़ेगा ना। अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ नॉट लिसनिंग टू इट, जो कहते हैं ना स्पैन ऑफ अटेंशन में अपन उसको भी माने के हमारे नो पॉइंट है 1 2 3 4 एंड सिंस वी आर हैविंग द रीजनेबल एक्सपीरियंस एंड वी आर हैविंग द सिमिलर एक्सपीरियंस तो उसमें डिटेल में अपन कहेंगे तो इट विल बी अ डायलॉग विच विल बी से फॉर द आवर्स टूगेदर राइट। तो हम अपनी बात को अपन कहें कि 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन करना है राइट। अब नाउ आई विल बी कीपिंग क्वाइट फॉर 5 मिनट एंड टाइम स्टॉप बाद से 5 मिनट के बाद हम जो है ना आपको टोक देंगे कि नाउ योर टाइम इज ओवर। सो एज पर माय वॉच इट इज 10:41 और आप 10:46 तक का आपको समय दे रहे हैं ठीक है। नहीं सर वो फ्रीलांस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा सर, मैं पहले बताता हूँ। पहले तो कंडीशन ये है कि सर आप बीच में टोकेंगे नहीं, हम 5 मिनट पूरे आपको दे रहे हैं 10:46। मुझे तो सर 1 मिनट चाहिए। चलिए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ठीक है। मैं आपको नौ स्टेप्स बता देता हूँ 1 मिनट में, अगर समझ जाएंगे तो अच्छी बात है सर, मुझे फिर एक्सप्लेन की कोई जरूरत नहीं। चलिए बताइए। देन स्टार्ट विल स्टार्ट विद डिस्प्यूट देन मेडिएशन देन आर्बिट्रेशन देन सिविल लिटिगेशन देन गो टू नॉन वेलेबल देन नॉन कॉग्निजेबल देन नॉन वेलेबल देन वेलेबल देन जो है रीट एंड प्रोसीजर इन द एपेक्स कोर्ट रीट प्रोसीजर्स इन द एपेक्स कोर्ट जो है एक प्रश्न में 5 आते हैं वो आप जानते हैं और जो है फाइनली SLP इन द सुप्रीम कोर्ट खत्म था। ये 9 हो गया ओके। ये स्टेप को मैपिंग करिए आप जो क्राइम लेके या प्रॉब्लम लेके अपना आता है इस 9 स्टेप में आप उसको मैपिंग कर दीजिए। मैं 1 मिनट भी नहीं लिया सर, बोल दिया। हाँ नहीं बात आप ठीक कह रहे हैं, आप बात ठीक कह रहे हैं और दिस प्रिसाइजली अब अपन 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 जो है ना जो मैपिंग है हाउ वी कैन रियली फैसिलिटेट द capturing of it right then how it should be legally or should be done in that way ke appropriate stage mein how you can help the person out to ek to ho gaya ki apan ne samne wale ko gyan diya ki aapke paas ye option hai dusra baat ye hai ki nahi I am here to help you out you apni samasyaen aap mujhe de dijiye hamara system use pura capture karega and depending on your stage institutionalized help will be available to you irrespective of his level, right? तो वो डिस्प्यूट इमर्ज हो रहा है उस लेवल पे है कि डिस्प्यूट जो है ना फैसिलिटेशन का है या डिस्प्यूट जो है डिलीवरेशन का है या आर्बिट्रेशन का है राइट, मतलब चाहे वो नेगोशिएशन एडवाइजरी रोल में रही है चाहे कि उसको नहीं एडवाइजरी से काम नहीं चलेगा क्योंकि एडवाइजरी में क्या कर रहे हैं You are still जो है forcing that person कि हमारी advice सुन के you do this। ऑप्शन में कराऊं? अच्छा ऑप्शन में कराऊं कि आपकी capability के हिसाब से? नहीं नहीं तो वो institutional देखिए institution who is conceiving institution श्री राजेंद्र मिश्रा is conceiving institution तो उस institutions के 9 organ हो सकते हैं जो एक एक विषय में जो है ना specialization develop करें right एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज इंस्टीट्यूशन इंटरनल जो है ना उस ऑर्गन को रेफर करे कि साहब आप इसमें मदद करो और वो उसकी मदद करे क्योंकि सोच ये है कि वो व्यक्ति पिलर टू पोस्ट तक ना भागे। अभी क्या हो रहा है हमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन खोलना है सर, नक्सल में यही है सर, नक्सल में यही है हमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन खोलना है, 9 स्टेप की मैपिंग करना है और उसको उसका केस को टेकअप करके उसका हेल्प करना है बस। हाँ And rather than giving advisory to him, how you can help him in executing that advisory? Advisory छोड़ दीजिए, advisory तो आपने मना कर दिया ना कि आपने खुद करना take up करना solve करना है। हाँ, मेरा उसमें बिल्कुल वही कहना है कि how we can develop a mechanism or an institution having for all 9 stages as described by you and
ईच जो है ना इट माइट बी हैविंग ए सब सेक्शन टू हेल्प हिम आउट वट एवर इज नीड टू बी कैप्चर्ड शुड बी कैप्चर्ड वट एवर नीड टू बी डन वो आपका काम है वो प्रॉब्लम जो लेके आए उसका काम नहीं है हाँ मतलब यदि मान लो वो पूरी बात आपको नहीं बता पा रहा है तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द फुल फैक्ट विल आल्सो बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि डॉक्यूमेंट जस्ट आप कैसे उसको बात करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे वो मैपिंग नहीं जानता है आप उसको मैपिंग करेंगे और मैपिंग किस स्टेज में कैसे हेल्प करेंगे वो आप और आपके पास दो टूल्स है 39 और 80 जो है टूल है आपके पास नहीं नहीं आपके पास तो पूरे टूल्स है जैसा अपन ने पिछली बार कहा था राइट अप टू द कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी दैट इज ऑल्सो ए टूल अवेलेबल ये दो टूल से आप यूज करेंगे ना दो टूल जब यूज करेंगे तो उस एजेंसी को एनफोर्स कंपल उस एजेंसी को मोबिलाइज करेंगे कि तू तो काम करते रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं तो विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू करेक्ट सो वी कैन मेक हिम अकाउंटेबल एंड एट द सेम टाइम उसकी जो लिमिटेशन है उसमें भी हम उसको कॉर्नर करने की बजाय वी कैन हैव द हेल्पिंग एटीट्यूड सो दैट वी हाउ वी कैन हेल्प हम पुलिस को बोलेंगे ये तुम्हारा काम है तुम करो ये काम नहीं करो आई एम सेइंग कि पुलिस जो है एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ी है विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशन प्रोबेबली इट इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट इट इज राइट सर गोली मारने का काम पुलिस का है आप बोल सकते हो नहीं नहीं गोली मारने का काम नहीं है द गोली कैन ओनली बी डन इन ए वेरी डिस्क्रीट सिचुएशन ऐसे गोली मारने वही बात कर रहा हूँ मैं वही बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं मैं निकल रहा हूँ पुलिस घर से निकल के सबको गोली मारता हुआ निकलेगा कि मैं कह रहा हूँ जैसे आप कश्मीर में एनकाउंटर करते थे हाँ। वो आपका काम है आपको अधिकार दिया गया है एनकाउंटर आप कर सकते हैं तो आप करिए अगर नहीं कर रहे फिर तालिबान घुसेगा नहीं 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 मेरा एक तो वो है कि यदि आप अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हटी है फिर दूसरा आदमी आगे करेगा तब जाकर के क्यों बैठे हुए हैं नहीं 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 बाय डूइंग सो इट विल बी टेकिंग लॉन्गर ड्यूरेशन राइट तो यदि दूसरा व्यक्ति करेगा तो वो तो जो है ना जब तक वो तो वहां तब तक पोस्टेड रहेगा जब तक उसे जो है ना सरकार ने पोस्ट किया हुआ है ठीक है वो तो तीन साल तक आपको सोसाइटी को आपने बिगाड़ा है सोसाइटी को आपने बिगाड़ा है तो कोलेटरल डैमेज को बीएस करना पड़ेगा आपको नहीं 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 हाउ बिना कोलेटरल डैमेज इंडिपेंडेंस नॉट कम विदाउट सैक्रिफाइस ऑफ पीपल नहीं नहीं आई एग्री विथ यू बट व्हाई कांट यू हैव द लिटिल बेटर मॉडल so that you can I am all for it but provided so why you are having reservation and helping out the police the poor नहीं मुझे नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि ये सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसे रूल नहीं ये तो क्या है कि अजय एक्सेप्शन बोल रहा हूँ मैं इसे बातें जो क्या अगर अगर आपके पास अल्टरनेट मेथड अवेलेबल है तब तो गोली नहीं मारेंगे आप क्यों मारेंगे गोली अगर आपके पास अल्टरनेट मेथड अवेलेबल है आई एम सेइंग कि बिकॉज गोली तभी मारिए जब मेथड अवेलेबल नहीं हो देखिए जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ द वट एवर बी द रीजन रीजन कुड बी कोई रीजन नहीं सर उसको सारा लॉ एम्पावर किया है अगर उसके पावर नहीं है उसके बियॉन्ड ठीक है पुलिस को पावर नहीं है टैक्स कलेक्शन करने का पुलिस क्यों टैक्स कलेक्ट करने जाएगी जो एजेंसी है वो करेगी देखो मेरा ये कहना है कि अल्टीमेटली जो व्यक्ति पुलिस का वहां बैठा हुआ है ही विल डू द थिंग्स विद द बेस्ट ऑफ his capability power and ability तो power and ability उसकी ability नहीं तो नहीं सुनेगा वो आपको आपको नहीं सुनेगा कौन वो तो हम कैसे सुनवा वो तो हमें मालूम है ना कैसे सुनवाने वो सुनवाना टीडीएस है और अपन जो है ना यदि उसको वो हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड कर दें देन वी विल एक्सपोज हिज मेंसरिया के ही इज डूइंग इट डिलिबरेटली किसके सामने करेंगे आप वही तो आपको अथॉरिटी वही उसको करवाने के लिए से मैं आप एक्सपोज करने से क्या होगा उसका इतना पुनिटिव एक्शन होना चाहिए उसके लिए टाइम लगेगा आप वो पुनिटिव एक्शन तो जो है पुलिस जो है ना बरसों से नहीं ले रही है आप जो है जस्ट ए मिनट पुलिस के जो पनिशमेंट है आप उसको देखिए वो रहेंगे दारू पीने के ऊपर गैराजर रहने के ऊपर डेफिशिएंट एक्शन के लिए आप पनिशमेंट के एनालिसिस करके देखिए इट विल सुने डीजी तक आपका नहीं सुनेंगे क्या कर लेंगे आप जाएंगे उसका फर्दर स्टेप आगे बढ़ेंगे हाँ तो जब हम दूसरी स्टेज पे जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि इन्होंने अपना काम नहीं किया आई हैव उसमें टाइम लगेगा सर उसमें तो टाइम लगेगा उतना टाइम तो देना पड़ेगा सर
तो हम जो टाइम जो हम टाइम दे रहे हैं जाते हैं हम उसको लीड भी दे दे तो क्या बुराई है, दे दीजिए ना सर। मैं ना आप सब कुछ करिए पर फिर भी वो नहीं करता है तो आपके पास डबल रीजन होगा कि उसने किया नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, यू हैव गिवन हिम द लीड एंड हेल्पिंग हैंड विच ही डेलिबरेटली इग्नोर्ड, ही शुड एक्सप्लेन दैट मेंसरिया। तो नहीं किया, दिस इज वन, एंड ही हैज डेलिबरेटली नॉट डन इट, दैट विल बी द सेकंड चार्ज अगेंस्ट हिम। एग्जैक्टली सर, वो तो डिटेलिंग में सर, बिल्कुल आप सही करें, वो डिटेलिंग में जाएंगे। क्योंकि अदरवाइज यदि आप उस डायमेंशन में नहीं जाते हैं तो यू आर डूइंग ओनली वन। इसमें आपके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है सर, आई एम कंप्लीटली इन एग्रीमेंट विद व्हाट यू आर सेइंग, बट मैं ये 9 में मैपिंग करके उसको हेल्प करिए बस। करेक्ट। तो अब इस 9 का जो है क्रिएटेड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट फॉर क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू हेल्प आउट एंड हैविंग 9 ऑर्गन एंड दैट कैन से, अब वो जो है अपन कैन बी रियली प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। पहले होगा कि अपन कह सकते हैं कि अपन उसका कॉन्सेप्ट बना लें, बी में स्टार्ट इन ए पर्टिकुलर एरिया बट विद द इंटेंशन ऑफ रेप्लीकेटिंग इट एल्सवेयर आल्सो। वो मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप करा है इसलिए आपसे डिस्कस करना उसको। तो आपने उसको क्या कोई रिटर्न फॉर्मेट में डाला है कि बरवल कौन में? नहीं नहीं, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ सर। जो आप बात कर रहे हैं वो आपने उसको 9 की जगह इट कैन बी फर्दर कंप्रेस, क्योंकि अवेलेबल अवेलेबल जो है पहले मेरे पास नॉट रियली मटेरियल, 6 हुआ, 7 हुआ, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल इज एनफ, अवेलेबल और नॉन अवेलेबल इज ए डिफरेंट डायमेंशन विच हैज नथिंग। वो तो मैं क्यों सोचा हूं मैं बताऊंगा ना सर। सर जब मैं उसको पहले मेरे पास 4 ही ऑप्शन थे, अब वो के 9 हो गए, वो तो इसलिए मैं कुछ डिटेल सोचा हूं, कुछ डॉक्यूमेंट करते हूं, इसलिए मैं क्लासिफाई बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है। तो मैपिंग और बेहतर हो जाएगा, क्या है कि वो तो रेजोल्यूशन लेवल है ना, कि आप 1:10,000 आरएफ में देख रहे हैं या 1:1,00,000 आरएफ में देख रहे हैं, ठीक है। तो वो तो क्या है सर, वो तो क्लासिफिकेशन क्या, वो क्लासिफिकेशन तो 1 में भी हो सकता है, और 9 में भी, मैं 9 तक पहुंचा हूं मैं। चलो मेरा ये कहना है कि इट इज ए गुड वे ऑफ थिंकिंग, एंड यदि हम कॉन्सेप्ट लेवल पर डेलिब्रेशन करेंगे और विद द इंटेंशन टू क्रिएट इंस्टीट्यूशन हैविंग टेक्नोलॉजी टू फर्दर हेल्प इट आउट, बिकॉज हमें जैसे तुमने ठीक ही कहा है कि यू आर हैविंग नो डिसएग्रीमेंट ऑन दैट, तो उस सब को करके हम कहेंगे तो उसमें हम उस स्केल पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया स्केल जा रहे हैं सर। बिल्कुल, वी आर ऑन द सेम पाथ, वी आर लीडिंग टुवर्ड्स द सेम थिंग व्हाट यू आर सेइंग। हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि वी आर ऑन द सेम ट्रैक, वी आर जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग दैट वी आर ऑन द सेम ट्रैक। आपने एक क्वेश्चन रेज करा, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल अवेलेबल नॉन अवेलेबल अलग ना करो, वो मैं बताऊंगा मैं क्यों अलग किया हूँ। क्योंकि अवेलेबल नॉन अवेलेबल में क्या है सर, 7 साल का होता है इनियर्स ऑफेंसेस, 7 साल से नीचे होता है पेटी ऑफेंसेस, ठीक है। इसलिए उससे प्रोसेस नहीं बदल जाएगी, द प्रोसेस विल रिमेन द सेम। बदलेगी ना, बदलेगी ना, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का समझ में आता है कि हमें यदि नॉन कॉग्निजेबल है तो ये जब मैं बोल रहा हूँ कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो उसके पीछे लॉजिक भी दूंगा आपको। उसका लॉजिक ये है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली आ गया है कि 7 साल से नीचे के लोगों को अरेस्ट नहीं करना है। अच्छा, ठीक है। तो वी हैव टू गो, इसलिए एक अरेस्ट नहीं करना, अरेस्ट करने में 2 कैटेगरी बनता है, ठीक है। नहीं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश ना मानने के तो आदि हैं। आदे बताइए कि कितने केसेस में हम अरेस्ट करने, क्योंकि अब आपको अरेस्ट करने के भी कारण लिखना है और ना अरेस्ट करने के भी कारण लिखना है, वो आदि है, इसीलिए तो सर अकाउंट। आप ये बताइए कितने केसेस में आपका आईओ जिसमें अरेस्ट कर रहा है तो व्हाई ही इज अरेस्टिंग ये लिख रहा है, यानी अकाउंटेबल, और कहां पे जो है ना जो उसे अरेस्ट नहीं किया है। फिर तो हमारे हमारे स्ट्रेंथ बढ़ता है ना सर, हम पुलिस अफसर जैसे, वो तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, फिर वो जवाब देगा सुप्रीम कोर्ट में कि वो अरेस्ट का पालन नहीं कर रहा है, जेल जाएगा। हमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के ऊपर प्रेशर कम करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। प्रेशर कम क्या करना पड़ेगा सर, आप तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देकर डरा डरा के प्रेशर कम करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में,
आप तो डरा नहीं रहे ना सुप्रीम कोर्ट का, एक आध एग्जाम्पल ही टांग देगा सुप्रीम कोर्ट तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने जो नौ स्टेप में मैपिंग रखा, 32 में क्यों रखा सुप्रीम कोर्ट का जो रखा है। मेरा एक मानना ये भी है कि हमें एक एडहॉक जज का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देके वी कैन डिक्लेयर देम एड हॉक जज, राइट सर। कार्बन कार्बन आयरन और मैंगनीज जो है मिला के स्टील बनती है। आप क्या प्रपोजल में उस मेटलर्जी को डेवलप करेंगे वो आगे का डिटेलिंग है सर, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। नहीं नहीं, वो वेरी इंपॉर्टेंट जाना, यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस और वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आपने एक केस और बढ़ाया जो कि 30 साल तक जो ना रिजॉल्व नहीं होगा। आई वॉन्ट हैव द पेशेंस के माय डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व इन 30 इयर्स सर। तो मैं आपको बहुत बहुत अच्छा अच्छा एक सेंटेंस बता रहा हूँ सर कि पेशेंस इज ए कंटिन्यूअस वॉर अगेंस्ट वन सेल्फ। मैं आपको बता रहा हूँ पेशेंस को सहन करने की सभी क्षमताएं ऑलरेडी खत्म हो गई हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर को जो है ना मर्डर कर दिया जाता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर को, और उसको हम जो है ना 20 साल तक कुछ नहीं कर पाते हैं, 25 साल तक कुछ नहीं कर पाते हैं। आप ये क्यों नहीं देखते उसने कितने लोगों का मर्डर करवाया है, कितने घर उजाड़ा है? वो दैट इज अ डिफरेंट डायमेंशन। आप जो है ना नहीं नहीं सर, एक पोलिटिक जस्टिस होती है आखिर में, आप जस्टिस नहीं देते हैं, कोर्ट नहीं देती। अच्छा मिश्रा जी, इस बात पे अपन बात करेंगे, ठीक है ना? चलो सर, इसे ठीक से।